विपक्ष के हर दावे कि खेला होवे लेकिन संख्या बल से ज्यादा बहुमत परीक्षण में माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार सफल हुई, यह सर्वविदित हुआ कि विपक्ष के हर दाव पेच का कारगर मुकाबला किया गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझे जेडीयू एमएलए के लिए बहुत अफसोस होगा, जब वो जनता के बीच जाएंगे तो क्या कहेंगे, तीन बार उनके मुख्यमंत्री ने ओथ लिया और उनसे पूछेंगे कि पहले बीजेपी को क्रिटिसाइज करते थे और अब उनके साथ है, आरजेडी तो कहेगी कि हम तो जॉब दिए हैं जनता के बीच जाएंगे। तो यह सवाल तो आपके पाले में भी जाएगा माननीय तेजस्वी यादव जी कि जनता का जनादेश 2020 में किसके साथ था, आप कैसे सरकार में शामिल हो गए, और जहां तक नौकरी देने का सवाल है खास करके शिक्षा विभाग में कल तो पर्दाफाश हो गया कि भाई आपके द्वारा जो शिक्षा मंत्री नियुक्त थे वो तो कार्यालय तक जाना मुनासिब नहीं कर जाते समझते थे, तो स्वाभाविक है कि आप उसकी आप क्रेडिट कैसे ले रहे हैं। तो सरकार को क्रेडिट जाएगा और माननीय नीतीश कुमार जी का गांव गांव में काम बोलता है। आरजेडी के तीन विधायक ने पाला बदला, उसको लेकर आरजेडी के उन पर दबाव है, दबाव के कारण उन्होंने अपना पक्ष बदल लिया, आप लोगों का भी दबाव था, बीजेपी का भी दबाव था। ये महत्वपूर्ण संकट राष्ट्रीय जनता दल के लिए है ना कि आपके दल के विधायक आपके द्वारा जारी संदेश का अनुपालन नहीं करते हैं बल्कि वह सच को कबूल करते हुए, चूंकि उनको अपने क्षेत्र में जाना है तो वहाँ के लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने ही काम किया है तो उनके साथ चले गए। अब नीतीश जी भी आ गए हैं, एनडीए का एक और, इंडिया अलायंस का एक और दल था आरएलडी, जिसके नेता जयंत चौधरी, उन्होंने भी साफ कर दिया कि हम एनडीए के साथ अब जाएंगे। ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, जो अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की हठधर्मिता है और जिस तरीके का कांग्रेस का राजनीतिक आचरण है, स्वाभाविक है इंडिया अलायंस के घटक दल घटते जाएंगे और एनडीए का बढ़ता जाएगा। गोपालगंज में एआईएम नेता जनरल सेक्रेटरी थे वहां के डिस्ट्रिक्ट के, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दादा, आप लोग की सरकार बनी फिर भी इस तरह के काम हो रहे हैं, हत्या। गोपालगंज की जो घटना है स्वाभाविक रूप से एक चुनौतीपूर्ण है, एसआईटी का गठन किया गया है, जो भी दोषी होंगे वो कानून के जद में आएंगे।